प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट CAT को DDY लिखा जाता है तो BIC को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सिंपल होता है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। बस आप ये देखिए, सी को क्या लिखा है दोस्तों, डी लिखा है। ए को क्या लिखा है, डी लिखा है। टी को क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो यहां पे आप ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप ये देखेंगे अंतर क्या लिया है। अंतर कहने का मतलब है सी में दोस्तों हम एक जोड़ दें तो क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, हो जाएगा ना। ए में दोस्तों क्या करें, +3 करें, तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए में तीन जोड़ने का मतलब क्या, एक जोड़ेंगे बी, दो जोड़ेंगे सी, तीन जोड़ेंगे डी, समझ रहे हैं ना। टी में दोस्तों क्या करें, टी में वाई हो जाए, +5, पांच जोड़ दीजिए तो टी के बाद UVWXY, यानी कि पांच जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई। तो ये बन क्या गया दोस्तों, DDY, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या है, BIC के लिए भी कोट करना है। तो देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बी में क्या करेंगे दोस्तों, +1 करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, बी में +1। तो जब +1 दोस्तों करेंगे बी में, तो बी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, बताइएगा, सी हो जाएगा। फिर आई में दोस्तों क्या करेंगे, +3 करेंगे, तीन जोड़ेंगे। तो आई में एक जोड़ेंगे जे, दो जोड़ेंगे के, तीन जोड़ेंगे तो एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और सी में दोस्तों क्या करेंगे, +5 करेंगे, ठीक है। तो सी में दोस्तों जब पांच जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा, यानी कि डी ई एफ जी एच, पांच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सी एल एच होगा। क्या होगा दोस्तों, सी एल एच। तो देखिए, सी एल एच किस ऑप्शन में है, देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी प्रश्नों को दोस्तों नोट जरूर करिएगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन है, यानी पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आसान तरीका बता रहा हूँ, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 5 + 7 = 21 है सॉरी एवं 9 + 4 = 31 है, तो 7 + 9 = क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आसान तरीका है। अब देखिए, 5 और 7 को क्या लिखा है दोस्तों, 5 और 7 को 21 लिखा है, 9 और 4 को 31 लिखा है। उसी प्रकार से हम 7 और 9 को लाएंगे, आंसर करेंगे, ठीक है। तो 7 और 9 देखिएगा, 5 और 7 सॉरी, पहले देखिएगा जो समीकरण है, 5 + 7 = 21 है। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 12 होगा। और 12 को अगर हम पलट दे दोस्तों, 12 किन संख्याओं से मिलके, 1 और 2, तो इसको हम पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1 = 21 हो गया, समझ रहे हैं ना। ये जोड़ के पलट दिया है। 9 और 4 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 13 होगा। और 13 को दोस्तों हम पलट दे, 13 एक 3 से मिलके बना है, पलट देंगे तो 3 1, ये मिलके क्या हो गया, 31। और देखिए यहां पे 31 दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले का आंसर देना है, जो समीकरण लास्ट वाला है, 7 + 9, 7 और 9 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 9 16 होगा। 16 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 1 = 6 से मिलके बना है, तो हो जाएगा ये 6 + 1 = 61 हो जाएगा। आंसर दोस्तों यहां पे क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 61 होगा। देखिए 61 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है और जो नए स्टूडेंट है उनसे जरूर जुड़ जाएंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में लूज LOSE को 1357 और गैन GAIN को 2468 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 84615 किस शब्द के लिए होगा। यानी कि कूट भाषा में देखिए यहां पे बताना है ना, 84615
का शब्द क्या होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए जब प्रश्न ऐसे आए तो थोड़ा सा आपको दोस्तों को ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है, 8 है, 4 है, 6 है, 1 है, 5 है। तो देखिए दोस्तों लूज और गैन में जो कोड किया है क्या उसमें 8, 4, 6, 1, 5 है, तो देखेंगे दोस्तों 8, 4, 6, 1, 5 है। यानी कि अब यह प्रश्न क्या हो गया, बहुत सिंपल हो गया। जो दोस्तों जिसके लिए जो अंक यूज किया है तो वही अक्षर यूज कर देंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8 है ना, 8 के लिए क्या होगा, तो यहां पे देखिए 8 के लिए क्या लिखा है दोस्तों, लास्ट में n है तो हम लिख देंगे n, 8 के लिए क्या हो जाएगा n। फिर दोस्तों क्या है, 4 है, 4 है ना, अब देखिए 4 ऊपर वाले में देखिए कहां पे है, यहां पे दूसरा है, तो यहां पे 4 के लिए क्या लिखा है, a लिखा है, तो हम लिख देंगे a, समझिएगा। फिर यहां पे क्या है, 6 है, अब देखिए ऊपर 6 के लिए क्या लिखा है दोस्तों, i लिखा है, तो हम लिख देंगे i, समझ रहे हैं ना, ये चीज समझिएगा। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 के लिए बताइएगा, 1 के लिए क्या है दोस्तों, 1 के लिए l है, तो 1 के लिए l कर देंगे। फिर क्या है दोस्तों, 5 है, तो बताइए 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए, तो 5 देखिए यहां पे 5 के लिए s है, तो s हो जाएगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, NAILS देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिए, टेलीग्राम को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों यदि फादर FATHER को FBTIES से लिखा गया हो तो सिस्टर को किसी प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में पहले समझिएगा, प्रश्न ये कह रहा है ना दोस्तों, कह रहा है कि फादर को हम FBTIES लिख रहे हैं तो सिस्टर को इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे थोड़े से ध्यान दीजिएगा, F को देखिए क्या लिखा है, F ही लिखा है, F को F ही लिखा है, A को क्या किया है, एक जोड़ के B लिख दिया, T को क्या किया है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, T ही लिखा है, T को क्या लिखा है, T ही लिखा है, और H को दोस्तों क्या किया है, देखिएगा H को एक आगे कर दिया, I लिख दिया, E को क्या किया है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, E ही लिखा है, और R को क्या किया है दोस्तों, एक जोड़ के S कर दिया। यानी कि पहले अक्षर को ज्यों का त्यों दूसरे में बदल दिया, तीसरे का ज्यों का त्यों चौथे में क्या कर रहे है, बदल रहे है। समझ रहे हैं ना कैसे किया, एक एक का अंतर देखे आगे आगे अक्षर को चेंज कर रहे है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों बताइए, एफ को एफ ही लिखा था ना, तो एस को हम क्या करेंगे बताइए, एस के लिए क्या करेंगे, एस ही लिखेंगे, आई को क्या करेंगे दोस्तों बताइए, आई को हम कर देंगे जे, आई को क्या कर देंगे जे, एस को फिर आगे एस है तो एस के लिए क्या करेंगे, एस ही रहेगा, टी के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, टी को हम कर देंगे यू, समझ रहे हैं ना। चलिए उसके बाद से ई के लिए क्या होगा दोस्तों, ई के लिए ई ही रहेगा, और आर के लिए क्या हो जाएगा, आर को एक आगे वाला कर देंगे एस। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एस जे एस यू ई एस, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला किस ऑप्शन में है, एस जे एस यू ई एस, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। एग्जाम फिनिशर का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पर जाकर दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, उस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहां पर दोस्तों बेसिक मैथ भी पढ़ाया हूं पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, उसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है तो। बेसिक मैथ में दोस्तों जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग पशांतर करना तिर्यक गुणा करना दोस्तों एलसीएम एसचीएफ सारी चीजें बताऊं, ठीक है, तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, डायरेक्ट आप वहां से जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आसान तरीका बता रहा हूं, मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर दिया जाता है ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों यदि ऊटी OOTY को 4 यानी ऊटी बराबर 4, शिमला बराबर 6, दार्जिलिंग बराबर 10 है तो नैनीताल का मान क्या है, ये पूछ रहा है। तो ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बहुत से स्टूडेंट हम देखे हैं एग्जाम हॉल में बैठ के क्या करते हैं, ये कोडिंग करने लगते हैं, ओ कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, वाई कितने पे आता है, तो ऐसे प्रश्नों
ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो ओटी लिखा है ना डबल ओटी वाई, आप ये देखिए इसमें टोटल कितने अक्षर है, 1 2 3 4, 4 है तो इसको 4 लिख दिया। शिमला में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया, समझ रहे ना। दार्जिलिंग में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लिख दिया। अब बताइए नैनीताल का क्या होगा, ओरल है, इसके लिए क्या कोडिंग करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है दोस्तों 8, तो नैनीताल का कोड क्या होगा, नैनीताल बराबर हो जाएगा 8। देखिए 8 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में AGE को EKI लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PACE को क्या लिखा जाएगा, ये बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे ए को क्या लिखा है, देखेंगे दोस्तों ए को ई लिखा है, यानी क्या किया है दोस्तों, BCD तीन अक्षर छोड़ के चौथा अक्षर लिखा है, समझ रहे ना। जी को क्या लिखा है दोस्तों, के लिखा है, जी के बाद आता है HIJ, ठीक है, ये क्या किया, तीन अक्षर छोड़ के लिखा, समझ रहे ना। ई को क्या लिखा है दोस्तों, आई लिखा है, ई के बाद आता क्या है दोस्तों, FGS, ठीक है, यानी कि तीन अक्षर का इसमें भी गैप लिया, उसके बाद आई लिखा, समझ रहे ना। इसी प्रकार से हम नीचे वाले के साथ भी करेंगे, यानी कि पी के बाद क्या आता है दोस्तों, पी के बाद आता है QRS, छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या दोस्तों, हम लिखेंगे टी, ठीक है। ए के बाद बताइए, ए के बाद क्या आता है दोस्तों, BCD, छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या दोस्तों, ई, समझ रहे ना। अब बताइए सी को क्या लिखेंगे दोस्तों, सी को के जगह पे हम करेंगे सी के बाद DEF, छोड़ देंगे, लिखेंगे क्या दोस्तों, जी लिखेंगे, समझ रहे हैं। ई को क्या लिखेंगे दोस्तों, ई को ऊपर आप देख भी सकते हैं क्या लिखा है, ई को आई लिखा है, तो ई को मतलब कहने का मतलब है FGH छोड़ के आई लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, TEGI, आंसर क्या होगा दोस्तों, TEGI। देखिए TEGI किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और दोस्तों एक बात और बता दूं, सभी क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा और हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आसान तरीका बता रहा हूं, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों, कूट भाषा में यानी कि किसी कोडिंग में GATE गेट को 71205 लिखा जाता है तो डोर DOOR के लिए कोड क्या है, डोर के लिए क्या कोड है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे अक्षर के लिए क्या लिखा है, अंक लिखा है, अक्षर के लिए अंक लिखा है, कहने का मतलब है जी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है, ए कितने पे आता है दोस्तों, ए पहले नंबर पे आता है 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे आता है दोस्तों 20 पे आता है, और ई दोस्तों कितने पे आता है 5 पे आता है। तो बस जैसे जैसे जो जितने नंबर पे आता है उसको लिख दिया 71205, देखिए 71205 यहां पे लिखा है। तो इसी प्रकार से डोर के लिए भी आप कोड कर सकते हैं। तो डी दोस्तों कितने नंबर पे आते हैं, नंबर आपको पता है ना, ए पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, इस प्रकार से डी किस पे आता है दोस्तों 4 पे आता है, और ओ दोस्तों आपका कितने पे आता है 15 पे आता है, एक और ओ है तो इसके लिए भी क्या होगा दोस्तों 15 ही होगा, और उसके बाद क्या है दोस्तों आर है तो आर के लिए क्या होगा दोस्तों 18 होगा, तो 4 15 15 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 15 15 18 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है 4 15 15 18, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट हैं हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर CHAPTER को DZBOUDS लिखा जाता है तो ब्राउन BROWN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप ये देखिए कि यहाँ पे जो CHAPTER चैप्टर इसको DZBOUDS कैसे लिखा है, बस आप ये देखेंगे। देखिए ये C को क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा है, समझिएगा C को D लिखा है यानी कि तुरंत बाद वाला लिख दिया है। H को दोस्तों क्या लिखा है, जी, जी कहाँ आता है, H के बाद आता है कि पहले आता है, तो ये पहले वाला लिख दिया। A को क्या लिखा है दोस्तों, B लिखा है यानी कि बाद वाला लिख दिया। P को क्या लिखा है दोस्तों, उसके पहले वाला लिख दिया, O लिख दिया। U, T को क्या लिखा है दोस्तों, U बाद वाला लिखा है। E को क्या लिखा है, पहले वाला लिखा है। R को क्या लिखा है, S लिखा है, बाद वाला लिखा है। यानी कि दोस्तों कर क्या रहा है, एक बाद वाला एक पहले वाला, बाद वाला पहले वाला, इस तरह से ये कोडिंग कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग कोडिंग कर देंगे। तो बताइए दोस्तों बी को क्या करेंगे, देखिए पहले बाद वाला किया है, सी को डी लिखा है ना, इसी प्रकार से हम बी को क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। आर को दोस्तों बताइए क्या लिखेंगे, आर के पहले क्या आता है दोस्तों, क्यू आता है। अब यहां पे थोड़े से ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सारे कोडिंग करने लगते हैं। नहीं, आपको पूरा नहीं करना है, पेपर में थोड़ा सा ट्रिक अपनाया जाता है क्या। अब आप ऑप्शन भी देखेंगे, सी क्यू से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ए स्टार्ट हुआ है, बी सी डी, चार ऑप्शन में कौन स्टार्ट है, तो देखेंगे सी क्यू से ऑप्शन नंबर सिर्फ सी स्टार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, यहीं पे सही हो जाएगा। आपको पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्या होगा दोस्तों, आपके 5 से 7 सेकंड बच सकते हैं जो अगले आप किसी क्वेश्चन पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान भी देते रहिएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे ऑप्शन को भी देखते चलेंगे एग्जाम में, इससे अगर जो दोस्तों आप 5-5 सेकंड ही दोस्तों 10 क्वेश्चन में बचा लेंगे तो 50 सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट के करीब बच जाएगा, उसमें आप 2-4 क्वेश्चन अलग से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से टाइम जो बचता है उसे भी आप ध्यान रखिए, क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन भी देखते चलेंगे। यहां पे आप पहले ही देखते सी से ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, डायरेक्ट आंसर देंगे, आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर डी में होता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तब तो हम चारों ऑप्शन को मिलाते, यानी तीनों को मिलाते फिर ऑप्शन में आंसर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सब ऑप्शन आपके नजर के सामने है और एक ही ऑप्शन सी क्यू से स्टार्ट है यानी ऑप्शन नंबर सी, तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे। चलिए हम आपको मिला के भी दिखा देते हैं। O के बाद दोस्तों क्या आएगा, O के बाद आएगा P, और W के पहले क्या आएगा दोस्तों, V, M के बाद क्या आएगा दोस्तों, O। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है C, Q, P, V, O, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर C में है, तो आपका ऑप्शन नंबर C अब भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो इतना मिलाने के बाद भी क्या आया दोस्तों, ऑप्शन नंबर C भी आया। अब आप चाहते तो दोस्तों क्या करते, एक ही अक्षर दो ही अक्षर देखते, तुरंत आंसर दे देते, तो भी आपका आंसर सही होता, गलत नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, कूट भाषा में जेल JAIL को 9081 लिखा जाता है तो प्रिजन PRISON के लिए कोड क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यहां पर जब क्या किया है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अक्षर के लिए अंक यूज किया है, यानी कि अब आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। जे के लिए दोस्तों, यानी जे कितने नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है ना। अब देखिए ए कितने पे आता है दोस्तों, ए 1 पे आता है। आई कितने पे आता है दोस्तों, आई 9 पे आता है। और एल दोस्तों कितने पे आता है, 12 पे आता है। तो ये 10, 1, 9, 12 है, लेकिन ऊपर देखिए 9081 है, 9081 है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 10 में से क्या करिए, एक कम कर लीजिए, 9 हो जाएगा। इस दोस्तों क्या करेंगे, एक में से एक कम कर लेंगे, 0 हो जाएगा। इस 9 में से क्या करिए, एक कम कर लीजिए, 8 हो जाएगा। इस 12 में से एक कम कर लीजिए, 11। 11 दो अंक की है, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इकाई अंक लेंगे, यानी दाहिने से पहला अंक तो 1 होगा, ठीक है। इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 1। अब समझिएगा यहां पर क्या आया दोस्तों, 9081 आया। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है, 9081, और देखिए 9081 ऊपर लिखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रिजन के लिए भी आप क्या करिए, कोड करिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो पी है, पी है कितने नंबर पे आता है, पी 16 पे आता है, ठीक है।
आर दोस्तों, आर कितने नंबर पे आता है? 18 पे आता है, ध्यान दीजिएगा, आर 18 पे। आई कितने पे आता है दोस्तों? आई 9 पे आता है। फिर एस है दोस्तों, एस कितने पे आता है दोस्तों? 19 पे आता है, ध्यान दीजिएगा। ओ दोस्तों फिर है, ओ कितने पे आता है दोस्तों? 15 पे आता है, ध्यान दीजिएगा, कितने पे आता है? ओ 15 पे। और एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। सब में से एक काम करके यूनिट डिजिट वाला लिखिए, 16 में से एक काम करेंगे 15, 15 का क्या हो जाएगा 5, 18 में से एक काम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 17, 17 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, इकाई अंक लिखना है। 9 में से एक काम करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, और 19 में से एक काम करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 18, 18 का भी क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, और 15 का दोस्तों 15 में से एक काम करेंगे 14, 14 का क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहां पे दोस्तों 14 है n के लिए 14, 14 में से एक काम करेंगे 13, 13 का 3 लिखेंगे, यानी आंसर क्या होगा दोस्तों 5 7 8 8 4 3। देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों 5 7 8 8 4 3, देखिए 5 7 8 8 4 3, देखिए 5 7 8 8 4 3 किस ऑप्शन में है? देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। सेकंड वाले चैनल का नाम है एग्जाम फिनिशर, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एग्जाम फिनिशर, उस चैनल पे जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। और वहां पे दोस्तों पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक बेसिक मैथ पढ़ा हूं, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एससीएफ निकालना, पदांतर करना, तिर्यक गुणा करना, ये सारी चीजें बेसिक मैथ पढ़ा हूं। तो ये सब अगर आपका वीक है तो उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, उस चैनल का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, ठीक है? तो उससे भी जरूर जुड़ के आप लाभ उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन हम आपको दोस्तों बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आसान तरीका बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो पहले पांचवा क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि 879 इज इक्वल टू 8, 625 इज इक्वल टू 1 और 586 इज इक्वल टू 9 हो तो 785 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे बस आपको ये ध्यान देना है 879 को ये 8 कैसे लिखा है, 625 को 1 कैसे लिखा है, और 586 को ये 9 कैसे लिखा है। जैसे लिखा है दोस्तों उसी प्रकार से 785 के लिए भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे ये देखिए 879 को 8 लिखा है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ घटा के 8 करना है। तो कैसे होगा दोस्तों, यहां पे आखिरी के दो अंक लीजिएगा 7 और 9 को आपस में जोड़ दीजिए, 7 और 9 जोड़ेंगे 16 होगा, और 16 में से पहला अंक घटा दीजिए 8, तो क्या हो जाएगा 16 में से 8 जा 8 बराबर 8 हो जाएगा, समझ रहे? 625 वाला है ना 625, इसमें भी आखिरी के दो अंक लीजिए 25 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 7 में से इस 6 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसी प्रकार से आगे वाले को देखिए 6 और 8, यानी कि 8 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में से इस पहले को घटा दीजिए 5 को, जब 14 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो 9 होगा, समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से आंसर देना है आपको। चलिए 8 और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13, और 13 में से दोस्तों 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 6, इसका आंसर क्या होगा 6। देखिए 6 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।